विकास कार्य न होने से जनता में काफी नाराजगी है। आने वाले 2022 के चुनाव में सयाना विधानसभा में जनता परिवर्तन चाहती है, इसको लेकर के न्यूज संवाददाता ने वहां की राय जानी। 2022 के चुनाव को लेकर चुनावी रण तैयार हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए नए नए तरीके भी अपना रही हैं। और इस वक्त हम बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की सयाना विधानसभा की, और हम सयाना विधानसभा में मौजूद हैं और देखिए हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार विधायक जी ने 4.5 साल में किस तरह के विकास कार्य किए हैं या नहीं किए, और लोगों से उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और लोग क्या कहना चाहते हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बॉबी राम है, बॉबी राम नागर जी। अच्छा, आपके सयाना विधानसभा में विधायक जी के द्वारा 4.5 साल में किस तरह के कार्य किए गए हैं? मेरी नज़र में तो कोई विकास नहीं हुआ सर। हमारे क्षेत्र में किसान भी परेशान है, आलू का किसान परेशान, गन्ने का किसान परेशान, बच्चे परेशान, हॉस्पिटल हमारे उसमें नहीं है। 4.5 साल में ना शिक्षा पे कोई विकास हो पाया, ना मेडिकल की लाइन में हो पाया। कोरोना जैसी महामारी में हमारे यहाँ पे जो बीमार हो गए उठाई नहीं है। अच्छा, सड़कों की बात करें तो सड़कें कैसी हैं? सड़क देख लो साहब, 5 किलोमीटर का रास्ता 5 घंटे में पूरा होता है। से मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत है। अच्छा, आप युवाओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एमए कर रहा हूँ मास्टर ऑफ आर्ट्स से, वो जो डिग्री होती है। आज तक हमारी सयाना विधानसभा में तो कोई सरकारी कॉलेज भी नहीं है, तो हम कम से कम बुलंदशहर जाते हैं। हमारा रोजगार भी नहीं है, बेरोजगार हैं ना, तो हम शिक्षा क्षेत्र में कोई विकास कर है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप इस सरकार से क्या राजी हैं? आने वाले 2022 में किस तरह का विधायक चाहते हैं? हमें पंडित सुनील भारद्वाज जैसा विधायक चाहिए जो जनता की सुने। अच्छा, विधायक ही बदलना चाहते हैं कि आप सरकारी बदलना चाहते हैं? यूपी की सरकार ही बदलना चाहते हैं बिल्कुल। लोगों के ऊपर, जातिवाद के ऊपर सरकार कर चलती हो, ऐसी सरकार हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ये हरिचंद है, ये से मारो, ये ठाकुर है, ये से मारेगा, ये उसे मारेगा। जहाँ देखो एक दूसरे के ऊपर मारकाट चली हुई है, ऐसी हमें सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल इसमें यूपी में तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। सयाना विधानसभा में विधायक जी द्वारा 4.5 साल में किसी तरह के विकास कार्य नहीं किए? भाई साहब, हम कुछ भी नहीं बता सकते इसमें। कोई मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, मतलब कोई इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है इसमें। स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है ही नहीं कहीं भी। आदमी अपनी व्यवस्था अपने आप तरीके से देख रहा, जहाँ उसका जी कर रहा बेचारा वहाँ जा रहा, जब कहीं कुछ है नहीं तो वो क्या करेगा आदमी। अच्छा, 2022 में आप किस तरह का विधायक चाहते हैं? हम विधायक इस तरीके का चाहते हैं जो जनता की सुने और काम भी करे, बढ़िया रहे। तो आप क्षेत्र के विधायक से नाराज हैं कि सरकार से ही नाराज हैं? हम तो पूरी सरकार से ही नाराज हैं, सरकार ही दूसरी चाहते हैं हम तो। देखिए, हमारे साथ सयाना विधानसभा के काफी लोग मौजूद हैं। सभी लोगों का कहना है कि आने वाले 2022 में हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करे और सबका साथ दे। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले 2022 में जनता सयाना विधानसभा से किसको विधायक चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी।